नमस्कार, जेके नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भाग्यश्री मौर्य। अगस्त में मुंबई में भारी बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। सार्वजनिक जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया। दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध पेडर रोड पर भूस्खलन हुआ था। सड़क की भारी भीड़ के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए पेडर रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन सड़क जल्द ही यातायात के लिए खुली होगी। रात के मध्य भारी बारिश और कटाव के कारण पिछले महीने यातायात को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी सड़क की मरम्मत का काम अंतिम चरण में है और अगले 3 से 4 दिनों में इस सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, NMC सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड़ ने बताया। अगले कुछ दिनों में इस सड़क पर वन वे ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी, इसलिए यात्रियों के लिए हजी अली से समुद्री लाइनों की यात्रा करना आसान होगा। हालांकि इस सड़क से सटे फ्लाई ओवर को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस बीच गायकवाड़ ने कहा कि अंतिम निर्णय यातायात पुलिस द्वारा लिया जाएगा। कांदिवली में पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, परंतु वह मार्ग वर्तमान में बंद है। पूरे रास्ते में पत्थर और मिट्टी बिखरी पड़ी थी। बारिश ने रेलवे पटरियों को भिगो दिया था। ट्रैक पर पानी बढ़ रहा था और यात्रियों को बचाने के लिए NDRF को बुलाया गया।